हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज पार्ट सेकेंड चैप्टर वन। ये चैप्टर वन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये NCERT क्लास 7 इंग्लिश का हनी कॉम बुक से फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। अगर आप फर्स्ट नहीं देखेंगे और सेकेंड देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कहानी को, स्टोरी को। Now let us start. The king turned round and saw a bearded man running towards them. King जो राजा था वो turned round, जैसे वो पीछे मुड़ा तो उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। Bearded man मतलब beard मतलब दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी होती है। Bearded man running towards them, जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. स्टमक कहते हैं पेट को, ठीक है। उसने अपने हाथ हाथ से अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून निकल रहा था। फ्लोइंग मतलब बहना, जहां से ब्लड खून को बोलते हैं, जहां से खून बह रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। फेंटेड बोलते हैं बेहोश होकर गिर जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। फेंटेड का मतलब बेहोश हो जाना। बेहोश होकर वो जमीन पर फेल मतलब गिर गया, जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ देखिए फेंटेड का मीनिंग दिया हुआ है आपको, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना। द किंग एंड द हर्मेट, जो राजा था और सन्यासी, उन दोनों ने रिमूव्ड द मैंस क्लॉथ्स, क्लोथिंग जो मैन ने, जो उस आदमी ने कपड़े पहने थे, राजा और उस सन्यासी ने उसके कपड़ों को हटाया, रिमूव किया। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमच, वुंड बोलते हैं चोट, घाव को बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव देखा। लार्ज मतलब बड़ा, फाउंड मतलब पाया। तो उन्होंने एक बड़ा सा घाव पाया उसके स्टोमच पे, पेट पर, स्टोमक पे, वुंड घाव को बोलते हैं। द किंग वॉश्ड, वॉश में धोना, किंग ने उसके उसकी चोट को धोया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ बोलते हैं रुमाल को, और कवर्ड मतलब ढक दिया, और उसने घाव, उसके घाव को अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसका खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड, किंग ने, जो राजा था, उसने फिर से उसकी मरहम पट्टी की, द वुंड उसके घाव की फिर से मरहम पट्टी की। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, वो तब तक आखिरी तक वो पट्टी करता रहा जब तक कि उसकी ब्लीडिंग, उसका खून रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर, जो उस आदमी था, फेल्ट मतलब महसूस उसने किया, बेटर मतलब अच्छा, उसने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने राजा से समथिंग मतलब कुछ पीने के लिए मांगा, ड्रिंक मतलब पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, जो किंग था, राजा था, वो एक फ्रेश ताजा पानी लेकर आया और उसने उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक सूरज अस्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी, ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और राजा ने उस सन्यासी की मदद से उस बोंडेड घायल आदमी को वो हर झोपड़ी के अंदर ले गया, पैरेड मतलब ले गया झोपड़ी के अंदर। एंड लेड हिम ऑन द बेड, लेड मतलब ले का लेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, उसने उसे बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड By his walk and work he had done, जो किंग था, राजा था, टायर्ड मतलब थका हुआ था, जो कि वो पैदल चल कर आया था और उसके बाद उसने सन्यासी के यहाँ आके वर्क जो किया था, उसकी वजह से वो काफी थका हुआ था। Lay down on the floor, वो जमीन पर लेट गया, फ्लोर मतलब जमीन पर लेट गया। And slept through the night, और पूरी रात के लिए वो सो गया, slept मतलब सो गया, through मतलब पूरी night, पूरी रात के लिए। When he awoke, awoke मतलब उठना, जब वो जागा, he was
several minutes before he could remember. कुछ ही मिनट पहले, ताकि वो कुछ याद कर पाता, कुछ वो याद करता कि क्या घटना हुई थी. Where he was, वो कहाँ पर है, और who the strange, strange कहते हैं अजनबी को, strange bearded man, वो अजनबी आदमी कौन था. Laying on the bed was, जो कि बिस्तर पे पड़ा हुआ था. ये सारी बातें वो याद कर पाता उससे पहले ही. forgive me, said the bearded man. उस बियर्ड मैन ने, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसने राजा से बोला कि मुझे माफ कर दीजिए. फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए. इन द वीक वॉइस, बहुत ही धीमी कमजोर आवाज में, वॉइस कहते हैं आवाज को, वीक मतलब कमजोर आवाज में बोला. व्हेन ही सो दैट द किंग वॉज अवेक, जैसे ही उसने राजा को जागा हुआ देखा, वो उसके पास आकर बोला कि आप मुझे माफ कर दीजिए. आई डू नॉट नो यू, राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. राजा ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ करूँ. यू डू नॉट नो मी, उसने कहा कि यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं. बट लेकिन, आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूँ. एनिमी बोलते हैं दुश्मन को. मैं आपका वही दुश्मन हूँ. हु सोर रिवेंज, रिवेंज बोलते हैं बदला लेने को. सोर बोलते कसम खाना. उसने कहा मैं आपका वही एनिमी हूँ, वही दुश्मन हूँ, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. ऑन यू, आपसे बदला लेने की कसम खाई है. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया. सीज्ड बोलते हैं जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की जायदाद को ले लेना. टुक बाय फोर्स, यहाँ सीज्ड का मीनिंग दिया हुआ है. टुक बाय फोर्स, फोर्सफुली किसी की चीज को ले लेना, सीज्ड बोलते हैं. आई न्यू यू, मैं आपको, उसने कहा कि आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. उसने कहा कि मैं जानता था कि आप अकेले इस सन्यासी से मिलने जा रहे हैं. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने ऐसा इरादा बनाया कि मैं आपको मार दूंगा आप जब आप घर के लिए वापस जाएंगे. वे होम, घर के रास्ते में आपको मार दूंगा. बट लेकिन द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया. बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए. सो इसलिए आई फेल्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ पर छुपा था उस स्थान को मैंने छोड़ दिया. लेफ्ट मतलब छोड़ देना, हिडिंग प्लेस जहाँ पर कोई छुपा हुआ था उसे मैंने छोड़ दिया. एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और आपके बॉडी गार्ड, आपके अंग रक्षकों के हथे में चढ़ गया. बाई चांस, यहाँ केम अपॉन का मतलब बाई चांस, उनके हत्थे में चढ़ गया, उन्होंने मुझे देख लिया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया. रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया, और उन्होंने मुझे पहचान लिया. एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया. वाउंडेड मतलब घायल करना, मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला. मैं वहां से बचकर भागा, या बच निकला. एस्केप्ड का मतलब निकल जाना, बच निकलना. बट आई should have died, लेकिन मैं मरी जाता. if you had not dressed my wound, अगर आपने मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मरी जाता. I wish to kill you, मैं आपको मारने की इच्छा से निकला था, मैं आपको मारना चाहता था. and you have saved my life, लेकिन आपने मेरा जीवन बचा लिया. now अब I If I live, यदि मैं जीवित रहूंगा, live मतलब जीवित रहना होता है. If I live, अगर मैं जीवित रहूंगा, तो I will serve you as your most faithful servant. तो मैं आपका एक most faithful मतलब विश्वसनीय, बहुत ही विश्वसनीय नौकर बनके रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा.
एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी ऐसी ऐसा आदेश दूंगा टू डू द सेम, कि वो भी आपकी सेवा करें. फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दीजिए. सॉरी. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी टू इजली. जो किंग था, राजा था, उसे बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुआ कि मेड पीस, मतलब यहाँ पे मित्रता कर लेना, फ्रेंडशिप हो जाना, यहाँ पे इन्हें भी दुश्मन को कहते हैं, उसने अपने दुश्मन से इतनी आसानी से, इजली मतलब सो इजली, बहुत आसानी से उसने अपने दुश्मन से मित्रता कर ली, दुश्मनी खत्म कर ली. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे उसका हृदय जीत लिया, उसे अपना दोस्त बना लिया. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, केवल उसने उसे माफ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. और उसने उसे माफी नहीं किया, उसके साथ अपने अपने सर्वेंट, अपने नौकर और अपने डॉक्टर को भी भेजा, ताकि उसकी लुक आफ्टर उसका करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैंस हिज प्रॉपर्टी, और उससे उसने वादा किया, उसे प्रॉमिस्ड किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जायदाद को, उसे उसकी संपत्ति से वापस कर देगा. लिविंग द बोंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़ते हुए, लिविंग मतलब छोड़ना, घायल आदमी को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो राजा झोपड़ी से निकला. एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और इधर उधर उसने उस सन्यासी को देखा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उसकी ऐसी इच्छा थी कि जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे मतलब जाने से पहले, उसकी ऐसी विश्ड, उसकी इच्छा थी उसकी कि वो एक बार और उस सन्यासी से, हर्मिट से अपने सवालों के जवाब मांगे. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ, नीच कहते हैं घुटनों को, घुटनों पर बैठा हुआ, सोइंग सीड्स, अपने जो बीज थे वो बो रहा था इन द बेड्स, क्यारियों में बीज बो रहा था. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिन्हें उसने एक दिन पहले ही बनाया था, एक दिन पहले ही जो तैयारियां, जो उसने क्यारियां तैयार की थी, उसमें बीज बो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग जो था उस हर्मिट के पास गया. एंड सैड उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी टाइम, आई विश यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आखिरी बार आपसे अपने सवालों के जवाब मांगने आया हूँ. विग मतलब मांगना होता है. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुका है, तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है. स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, वो स्टिल बेंडिंग डाउन मतलब अब भी वो झुका हुआ था ग्राउंड, जमीन पर वो अब भी झुका हुआ था. और लुकिंग अप एट द किंग, राजा को देखते हुए, जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, स्टूल मतलब खड़ा होना, उसे देखते हुए उसने आंसर किया. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन्स, उसने कहा राजा ने, कैसे, हाउ हैव, मुझे कैसे आंसर मिल गया है, व्हाट डू यू मीन्स, आपका क्या मतलब है कहने का. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या तुमने नहीं देखा. डू यू नॉट सी मतलब क्या तुमने नहीं देखा. इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज वेट्स फॉर मी, अगर तुम मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी को कल नहीं देखते और हैड नॉट डग दीज वेट्स फॉर मी, और मेरे लिए तुम ये क्यारियां अगर नहीं बनाते, और तुम मेरे लिए क्यारियां नहीं बनाते, यू वुड हैव
गॉन अवे और तुम चले गए होते। पिटेड का मतलब होता है दया करना। अगर तुमने मुझ पे दया नहीं की होती, मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी को देखकर अगर तुमने मुझ पे दया नहीं की होती, सन्यासी कह रहा है कि अगर तुमने मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पे दया नहीं की होती, पिटेड मतलब दया करना नहीं की होती, और तुमने ये क्यारियाँ नहीं बनाई होती मेरे लिए, वुड यू हैव गोन अवे और तुम चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू और तो वो आदमी आप पर अटैक करता, आप पर हमला करता, अटैक्ड मतलब हमला करना, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी और तुमने और आपने ऐसी इच्छा की आप यहाँ रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग फॉर वेट्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम क्यारियां बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। उन्होंने कहा कि टू डू मी, जो भी डू का मतलब करना, जो वर्क आपने मेरे लिए किया ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। टू डू मेरी भलाई करना, गुड मतलब भलाई करना, जो मेरे लिए अच्छाई करना, जो आपने मेरी अच्छाई की, मेरी भलाई की, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण वर्क था, काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, आफ्टरवर्ड का मतलब होता है उसके बाद। व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था, वॉज When you were caring for him, जब आपने उसकी देखभाल की, caring मतलब देखभाल करना, जब आपने उसकी देखभाल की, because क्योंकि if you had not dressed his wounds, अगर आप उसके घाव की मलहम पट्टी नहीं करते, he would have died without having made peace with you, तो आपसे वो बिना सुलह किए made peace मतलब बिना सुलह किए वो आपसे मर गया होता, वो मर जाता। So he was the most important man, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था आपके लिए। And what you did for him was your most important business, और वही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। Remember, याद रखिए, then there is only one time that is important and that time is now। उन्होंने कहा कि आप याद रखिए, राजा से बोला आप याद रखिए, there is only one time, केवल एक ही समय होता है that is important, जो कि महत्वपूर्ण है, and that time is, और वो समय now, वो समय अभी का है, जो आपके पास अभी समय है वही एक important आपके लिए महत्वपूर्ण समय है। it is not important time, it is the important time, sorry, it is the most important time, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि because, क्योंकि it is the only time, ये केवल ऐसा समय है, we have any power to act, क्योंकि यही एक present का time, ये एक ऐसा समय है जहाँ हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा power हमारे पास है, कुछ भी करने की power हमारे पास है, any power to act, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। The most necessary person, और necessary मतलब कहते हैं बहुत ज़रूरी, ठीक है, most मतलब बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़रूरी इंसान, person, इंसान, is the person, ये वो इंसान है, you are with at the पार्टिकुलर मोमेंट, जो एक विशेष समय में आपके पास जो इंसान है वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है, सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। फॉर नो वन नोन, ये कोई नहीं जानता, वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम आगे कल हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, बिजनेस का मतलब का काम है, जो आप उस समय पर, प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास है, जो नाउ इस समय जो आपके पास, उसके लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज
वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज अलोन, हमें इस दुनिया में भलाई करने के उद्देश्य से भेजा गया है. थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगर आप भी किसी को बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू ऑल ऑफ यू. दिस वीडियो फिनिश्ड हियर.